Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notifications. Don't forget to hit the like button. Basement converter से जो हमें copper मिला है वो है blister copper. अब ये देखिए blister copper जो उसपे 2% impurity है, इस 2% impurity को भी हमें निकालना है. तो refining of copper में हम दो process follow करेंगे, एक है पोलिंग और एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो यहां पे हम देखेंगे ये जो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है इसके अंदर पहला हम लेंगे पोलिंग. ये पोलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन कलर के पोल्स लिए जाते हैं, जो उड़ के ग्रीन कलर के पोल्स हैं वो लिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम होता है पोलिंग. और सेकेंड होता है मैथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये पोलिंग हम करते क्या है. तो यहां पे यदि मैं लिखता हूं पोलिंग, तो ये होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में, इन रिवर्बरेटरी फर्नेस. और यहां पे देखिए रिवर्बरेटरी फर्नेस में जो हमने कॉपर लिया है इसमें हो सकता है कि कुछ ऑक्साइड फॉर्म में भी हो इंप्योरिटी. तो यहां पे हम ग्रीन कलर के पोल्स, जो उड के ग्रीन कलर के पोल्स हैं, हम वो यूज करते हैं. तो ग्रीन कलर के पोल्स में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिड्यूस कर देते हैं CU2 को कॉपर के अंदर. तो यहां पे लिखेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द पोल्स ऑफ ग्रीन वुड. अभी देखिए हम ग्रीन कलर का ही लेते हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स निकलेंगे और वो रिड्यूस कर देंगे CU2 को CU में. तो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द पोल्स ऑफ ग्रीन वुड रिड्यूसेस CU2 एंड अदर इंप्यूरिटीज. ठीक है, अभी देखिए जो कॉपर का थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो गया है वो CU2 बन गया है. अब ग्रीन पोल से हम उसको एजिटेट मोल्टन मास को, जैसे हम सीरा उपमा या हलवे के लिए हम यूज करते हैं ना, स्पून यूज करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन से वो इसको रिड्यूस करेंगे. अब यहां से CU2 जो रिड्यूस हुआ CU में, देखिए ये +1 है, अब वो CU0 हो गया तो रिड्यूस ही हुआ है. तो जो कॉपर जो यहां पे प्रोड्यूस होगा वो 99.2 से 99.6% तक हमें प्योर मिलेगा. तो यहां पे लिखेंगे बाय द पोलिंग 99.2 to 99.6% कॉपर इज प्रोड्यूस्ड. अब आप देखिए 98% कहां पे था, बेसमर कन्वर्टर के अंदर. थोड़ी सी इंप्योरिटी और निकल गई और प्योरिटी अब जो है 99.2 या 99.6% तक के रेंज में आ गया. अभी भी हमें 99.99, जिसको हम कहते हैं 5 9s, 99.999 जो 100% के आसपास है उसकी प्योरिटी को कहते हैं 99.999. जैसे कि आपने देखा होगा KDM या सिल्वर के केस में जो क्वाइंस होते हैं वहां पे 99.999 या फिर होता है 5 9s प्योरिटी. तो अभी हमें वो नहीं मिला है कि 99.6 तक हमें मिला है. तो अब हमें क्या करना है, जो भी कॉपर इम्प्योर मिला है, अब थोड़ा सा तो प्योर हुआ लेकिन अभी भी इम्प्योर ही है, अब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो नेक्स्ट जो हमारा है ये देखिए ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में ये जो कॉपर सल्फेट हम जो यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट, कैथोड एनोड क्या होगा, सबसे पहले मैं वो आपको लिख देता हूं. यहां पे सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, फिर नेक्स्ट लेंगे एनोड, फिर लेंगे हम कैथोड. ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यहां पे 15% कॉपर सल्फेट है प्लस 5 to 10% H2SO4 है. ये देखिए 5 to 10% H2SO4, 15% कॉपर सल्फेट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. और जो एनोड है वो हमारा है इम्प्योर कॉपर.
इन प्योर कॉपर, और जो कैथोड हम लेंगे ये लेंगे प्योर कॉपर। ये बिल्कुल क्लियर है, जो हमने पोलिन से जो कॉपर ऑब्टेन किया है वो 99.2% है या 99.6 तक जाएगा। अब हमें 99.999 वो प्योरिटी हमें चाहिए, तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट एनोड कैथोड दिया, अब इसके डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी ले लिया है, और ये जो एनोड है इम्प्योर कॉपर है, ये देखिए जो थिक जो है थिक प्लेट जो दिख रहा है वो इम्प्योर कॉपर है, और ये इस इम्प्योर कॉपर को हमने बनाया है एनोड। जैसा आपको मालूम है कि मेटल्स आर ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो हमने ये रेड कलर का ये देखिए डायग्राम के अंदर दिया है, ये है प्योर कॉपर, और ये प्योर कॉपर किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल और बैटरी, तो ये हो गया कैथोड। तो ये प्योर कॉपर कैथोड, क्योंकि कॉपर जो है वो प्योर कॉपर के ऊपर ही डिपॉजिट होगा तो हमें प्योर मिलेगा, यदि वो इम्प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, यदि टर्मिनल चेंज कर दे तो पूरा सब जो है हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेटल्स आर ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो प्योर मेटल हम कैथोड बनाते हैं ताकि उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट हो जाए, और एनोड जो है वो डिसॉल्व होता है। तो यहां पे हम देखेंगे एट एनोड, और आपको मालूम है कि गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अभी जो ऑक्सीडेशन होगा तो ये देखिए Cu, ये हमारा है फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, जो आपने कॉपर लिया है 99.2 या 99.6%, वो जो है वहां से ये कॉपर आया और कॉपर बनाया प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन बाहर। तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है हमारा ऑक्सीडेशन। तो अब क्या होगा, एनोड से कॉपर जो है डिसॉल्व होके इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ गया, सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और ये सॉल्यूशन के आने के बाद ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो यहां पे एट कैथोड, अब एट कैथोड क्या होगा, ये जो हमारे पास Cu प्लस टू है ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से बना देगा कॉपर। तो एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा रिडक्शन, और ये जो कॉपर हमें मिला ये जो है ये 99.999% इसे ही कहते हैं हम फाइव नाइन, मतलब पांच बार 9999 आ गया। तो देखिए दो इधर तीन इधर, तो 100% की जगह हम करते हैं 99.999%। अब ये जो है आपको कॉपर मिल गया, अब यहां पे कुछ इंप्योरिटी जो है वो जिंक, जैसे मान लीजिए जिंक हो और जिंक हो आयरन हो निकिल हो, तो ये इंप्योरिटी जो है ये मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रेसोफर हमारे पास है। तो यहां पे लिखेंगे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इंप्योरिटीज लाइक जिंक, जिंक निकल, और ये जो है इसके साथ हम आयरन भी ऐसे और भी है, तो मेन मेन हमने लिख दिया लाइक जिंक आयरन निकल डिसॉल्व्स इन सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। अब गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये वो इंप्योरिटी जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये जो है डिसॉल्व नहीं होते हैं बल्कि ये एनोड के नीचे जम जाते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे एनोड के नीचे ऐसा रेड 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 ऐसा बनाया है, ये कहलाते हैं एनोड मड। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा एनोड मड। तो कई बार आता है कि एनोड मड जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन हो गया, तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये जो है कॉपर प्योर कॉपर के नीचे। तो यहां पर हम लिखेंगे एनोड मड
जो एनोड कॉपर के नीचे है ये हो जाएगा सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये जो तीन एलिमेंट है इनके जो नीचे डिपॉजिट इनको कहते हैं हम एनोड. तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से 99.999% हमें मिल गया. क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि जब हम पोलिंग करके रिफाइन कर लिए तो फिर ये क्यों किए. उसका कारण है कि वहां पे हमें 99.2 से 99.6% ही हमें मिला है और हमें तो चाहिए 100%. अब 100% को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव नाइन्स में. तो 99.999 के लिए ही हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना पड़ा. तो ये आपका कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर जो है सल्फाइड ओर से हो गया. प्लीज नोट, आई होप आपने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का जो है वीडियो देखा होगा. और यदि नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए. मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिफाइनिंग से रिलेटेड दे रहा हूँ जो जेई के क्वेश्चन हैं, जो कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 क्वेश्चन दिए. आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और नहीं तो आप पहले वीडियो को देखिए और इसका फिर डिसाइड कीजिए आपके आंसर क्या हो सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कशन करता हूं इसका. चलिए, आई होप आपने पॉज करके जो है इसको देख लिया होगा कि क्या क्वेश्चंस हैं. अब इसके आंसर पे जाते हैं. पहला है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल्स प्रेजेंट एज इंप्योरिटी सेटल एज एनोडिक मड. याद कीजिए, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हमने कॉपर सल्फेट और H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट लिया है. एनोड के नीचे जो इंप्योरिटी डिपॉजिट होता है उसको कहते हैं एनोड मड. और वहां पे जो प्रीसियस मेटल्स हैं कौन कौन से हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट मेटल्स उसके नीचे हमको मिलते हैं. और जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो जिंक आयरन निकल थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर. तो एनोड के नीचे जो इंप्योरिटी डिपॉजिट है उसको कहते हैं एनोड मड. तो आपका आंसर हो गया सिल्वर एंड गोल्ड. याद दिया है, इसमें प्लैटिनम भी हम ऐड कर सकते हैं. तो चलिए ये भी आपका आंसर हो गया एनोड मड का. ठीक है, देखने से सबका आंसर सही आया होगा, आएगा. चलिए अब आते हैं सेकंड पे. कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं एडवांस का है, जेई एडवांस 2015 का. और मैंने यहां स्टार मार्क डाला है, मतलब यहां पे एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. ये मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन ही है वाला. तो यहां पे देखिए, कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बाय ब्लिस्टर ऑफ कॉपर. द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट दिस प्रोसेस इज. तो हम एक एक प्रोसेस को देखते हैं. ठीक है, ये रिलेटेड किससे है, ब्लिस्टर कॉपर से. आपको मालूम है ना ब्लिस्टर कॉपर कहां बना है, यदि आप भूल गए तो मेरे बेसलराइजेशन के वीडियो में जाइए, वहां पे मैंने बताया है कि ब्लिस्टर कॉपर क्यों बना, कैसे बना. जब SO2 रिलीज होता है तो सरफेस कॉपर का जो है उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो 98% प्योर होता है, उसे कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर. तो चलिए देखते हैं, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज. तो ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर हो गया. अब द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज. अब प्यूरिफिकेशन हम किसका कर रहे हैं, ब्लिस्टर कॉपर का. ब्लिस्टर कॉपर जो है 98% प्योर है. और उसके बाद याद कीजिए, ब्लिस्टर कॉपर को हमने रिफाइन किया था पोलिंग से और लास्टली हम गए किसमें, रिफाइनिंग में. तो उस रिफाइनिंग में देखते हैं क्या क्या इलेक्ट्रोड्स के बारे में है. इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड. आपको मालूम है कि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड दीज आर ऑलवेज कलेक्टेड ओवर कैथोड. तो यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, भाई कैथोड तो होना नहीं चाहिए, इम्प्योर कॉपर क्या होना चाहिए, एनोड. तो हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फिर देखते हैं बी, एसिडिफाइड एक्वस कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट. बिल्कुल करेक्ट है वो स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट करीब 15% था और 5-10% H2SO4 था, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट था. तो हमारे पास एक आंसर सही आया, लेकिन अभी एक आंसर से कुछ नहीं होगा, ये मोर देन वन करेक्ट आंसर का है. तो चलिए हम आगे चलते हैं. सी, प्योर कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड. बिल्कुल ठीक है, मेटल तो कैथोड पे ही डिपॉजिट होगा ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फिर इंप्योरिटी सेटल एज एनोडिक मड. अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये देखिए 7 साल में वो पॉइंट आ गया है यहाँ पे. तो इंप्योरिटी सेटल एज एनोडिक मड बिल्कुल करेक्ट है. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर DCD, तीन आंसर. तो इसका जो है आंसर था बी, लेकिन यहां पे आपका DCD तीन आंसर आ गया, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का था. अब मल्टीपल आंसर है इसके अंदर.
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में काफी क्वेश्चन आ गए, तो ये मेरे ख्याल से आराम से बन जाना चाहिए। इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ कैथोड, अरे ये तो गड़बड़ है ना, प्योर मेटल तो कैथोड पे डिपॉजिट होता है और इम्प्योर मेटल जो है वो होना चाहिए एनोड। ओ तो इम्प्योर मेटल इज, अच्छा देखिए ये एडवांस करनी है, तो इसमें एक ही करेक्ट आंसर है, जहां भी मोर देन वन करेक्ट आंसर होगा मैं स्टार मार्क करके उसको स्पेसिफाई करूंगा। अब देखिए इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, गलत हो गया, जैसे यहां पे हम गए थे वैसे यहां पे हो गया। इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, यस ये हमारा आंसर आ गया टू बी जो है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये तो रॉन्ग था, जो हमें करेक्ट ढूंढना है तो इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, ठीक है। और आगे देखते हैं इम्प्योर मेटल इज मेड कैथोड, गलत हो गया, बोथ इलेक्ट्रोड मस्ट बी प्योर, यदि दोनों ही प्योर है तो किसको रिफाइन किसको कर रहे हैं हम, नहीं, तो आपका आंसर हो गया बी। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपने देखा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऊपर, तो हर वीडियो के बाद कुछ तो वीडियो के ड्यूरेशन में ही मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग जेईई मेन के, जेईई एडवांस के और नीट के ले लेंगे। अभी जो नीट के क्वेश्चन मैंने देखा उसमें रिसेंटली जो है कॉपर के ऊपर नहीं दूसरे मेटलर्जी के ऊपर है, तो जब भी वो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो नोट कर लीजिए इसको भी।